अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सिमरजन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक है। जुआन आप ठीक हो? ठीक हो? इसका मूड बस ऐसा ही होता है, कभी बहुत अच्छा होता है कभी बहुत ख़राब होता है। अभी फ़िलहाल टॉफ़ी खा रहा है इसलिए बिजी है, कुछ बात नहीं कर रहा है आजकल। इसको बस यही है कि इसको बाहर की चीज़ों का बहुत शौक चढ़ गया है। मेरे ख्याल से हर बच्चे का यही हाल है, बाहर की चीज़ें चाहिए होती हैं बस। जुआन आपने टॉफ़ी खा ली? टॉफी कैसे खाते हो? अच्छा कैसे खाई थी आपने? ऐसे खाई थी आपने? अच्छा जल्दी से बता दो, पापा अच्छे हैं कि मामा अच्छे हैं? पापा अच्छे कि मामा अच्छे हैं? सुनो बात सुनो, नहीं बताओगे? नहीं बताओगे? अच्छा करो, अच्छा करो। हाँ अब बताएंगे बॉडी पार्ट्स नेम। अच्छा बताओ जल्दी। अरे ये क्या ऐसे ऐसे स्कूल में करोगे आप नाराज होकर? अच्छा जल्दी से बताओ। कोकोमो दूंगी, कोकोमो दूंगी, हाँ कोकोमो दूंगी, जल्दी से मुझे बताओ। हाँ हाँ दूंगी। अच्छा जल्दी से बताओ, वेयर इज योर आईज? बता दो ना, वेयर इज योर आईज? भाषण वेयर इज योर आईज? वेयर इज योर आईज? वेयर इज योर लिप्स? वेयर इज योर टीथ? Where is your belly button? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा where is your head? Where is your head? Head. अच्छा 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 क्या क्या करूँ? क्या हुआ? क्यों नाराज हो गए हो? क्यों नाराज हो? क्या हुआ है? हाँ क्यों नाराज हो रहे हो बार बार? क्या चाहिए बताओ? कोकोमो चाहिए? अच्छा फिर बोल दो प्लीज प्लीज प्लीज। वेयर इज योर आईज? वेयर इज योर लिप्स? वेयर इज योर टीथ? आप सबको जुमा मुबारक हो। आज है जुमे का दिन और जुमे की नमाज़ पढ़ चुके हैं हम लोग। जैन को जुमे के दिन 2 घंटे की छुट्टी मिलती है जिसमें वो आते हैं, लंच करते हैं, उसके बाद वो जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं। फिर ये होता है कि जब वो आते हैं फिर थोड़ा रेस्ट करते हैं। अभी वो जा चुके हैं और मैं सोच रही हूँ कि शाम में क्या बनाऊँ। नॉर्मली होता ये है कि फ्राइडे वाले दिन हमारे घर में बनती है बिरयानी या पुलाव। अब कल जब बिरयानी का सामान लेने हम लोग गए हैं तो साथ में हमने चिकन भी लिया था, लेकिन हुआ ये कि जब हम घर आए हैं तो सारा सामान था पर चिकन नहीं था। अब समझ में नहीं आ रहा है चिकन कहाँ गया, क्योंकि जब हम चिकन लेने के लिए शॉप पर गए हैं तो वहाँ सुहान जैन को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। सुहान ने जैन का वॉलेट इस तरह खींचा कि सारे जो पैसे थे ना वो वॉलेट में से गिर गए थे। तो जैन वो पैसे वगैरह उठाने में बिज़ी हो गए थे, मेरे हाथ में ऑलरेडी दूसरा सामान भी था तो चिकन पे इतना हमारा ध्यान गया नहीं। अब मुझे ये लग रहा है कि चिकन शॉप पे रह गया है। अब आज शाम को जैन आएंगे तो पता चलेगा कि चिकन शॉप पर था। मौसम तो बहुत प्यारा हो रहा है, मतलब दिन में होती है गर्मी कराची में ना, अब ये हो रहा है कि मौसम चेंज हो गया है, दिन में गर्मी हो जाती है लेकिन शाम बहुत ठंडी होती है। और अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और अब ये जुहान मुझे कह रहा है कि मुझे भी दिखाओ विंडो से। अच्छा रुको दिखाती हूँ। अच्छा रुको, क्या देख रहे हो आप विंडो से? क्या देख रहे हो? क्या डोगी? पापा आए हैं जुहान के ऑफिस से? जुहान के पापा आ गए? हाँ जुहान के पापा कहाँ हैं? बस जैन आने वाले हैं, उनके आने का टाइम हो रहा है, देखते हैं। अब अच्छी हवा चल रही है, मौसम तो अच्छा हो रहा है, दिन में गर्मी थी लेकिन अभी सही है। सुहान स्माइल कैसे करते हैं? टाटा। आने जाने वाले लोगों को टाटा कर रहा है सुहान। स्माइल कैसे करते हैं? टाटा। डॉगी 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 डॉगी। अच्छा बात सुनो, डॉगी को कैसे भगाते हो? चिड़िया को कैसे भगाते हो? पापा आ गए, पापा आ गए सुहान के। और जल्दी से दरवाज़ा खोल के आए, और जल्दी से दरवाज़ा खोल के आए, पापा आ गए हैं ना। पापा आ गए दरवाजा नहीं दादा आ दरवाजा खोलने चले जाओ। भागो भागो भागो, पापा आ गए। पापा आए हैं? कौन है? पापा। पापा आए हैं, अभी वो दरवाजा खोलेगा। खुशियाँ खुशियाँ। कौन आया है? बाबा पापा। पापा आए हैं,
जुहान के पापा ऑफिस से आ चुके हैं। अब जुहान को बिल्कुल अपनी मामा की याद नहीं आने वाली है। सारा दिन जब मुझे कपड़े धोने होते हैं, सफाई करनी होती है और खाना बनाना होता है तो मेरे पीछे 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 जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे पीछे आ जाता है। लेकिन जैसे ही जैन घर पे आते हैं यह मुझसे बात भी नहीं करता, मेरे पास भी नहीं आता। अभी आपने देखा कैसे अपने पापा को देख के खुश हुआ है ये। इससे पहले अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए भी नीचे उतारती हूँ ना गोद से तो ये रोने लग जाता है, मामा मामा करता है। लेकिन इसके पापा जैसे ही घर आते हैं ये अपने पापा का हो जाता है। ये बच्चे किस तरह के होते हैं, सारा दिन माएँ संभालें, इनकी खिदमतें करें, इनको खाने खिलाएं, इनको तैयार करें, इनके साथ खेलें, इनका दिल बहलाएं, लेकिन जैसे ही पापा आते हैं ये अपनी मामा को भूल बैठते हैं। हालांकि पापा सुबह से शाम तक घर पर नहीं होते हैं, लेकिन इनको अपने पापा से ज़्यादा अटैचमेंट होती है, अपनी माँ से नहीं होती है। इनको ये होता है माँ बड़ी सख्त है, हमें डांटती रहती है। ये नहीं पता होता कि माएँ आपको कंट्रोल करके रखती हैं, और पापा तो थोड़ी देर के लिए आते हैं इसलिए वो डांटते भी नहीं है, वो उल्टा आपकी मामा को ही बोल रहे होते हैं कि तुमने सिखाया नहीं। खैर जैन चिकन लेकर आए हैं तो अब बनाते हैं चिकन का कुछ। मैं सोच रही थी कि चिकन चिंगेजी बिरयानी ये सब तो हो गया, अभी आज कुछ न्यू ट्राई करते हैं। तो मैंने जैन से कोयला मंगवा लिया था चिकन के साथ साथ। अब मैंने जैन को बोला है कि आप एक काम करें, कोयला ला दें। कोयला वो ले आए हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ कोयला कढ़ाई, देखते हैं कैसी बनती है। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब पे सर्च की है कोयला कढ़ाई, पर मुझे कुछ इतनी खास समझ में आ नहीं रही है, मतलब इतना कोई आइडिया हो नहीं रहा कि इस तरह बननी चाहिए। नहीं, मैं सोची हूँ अपने तरीके से बनाती हूँ, तो कोयला कढ़ाई बनाती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि वो किस तरह बनी और कैसी लगी। जैन को लगी थी बहुत तेज़ भूख, इसलिए मैंने रेसिपी साथ साथ रिकॉर्ड नहीं किया। मैं आपको शॉर्टकट में बता देती हूँ कि सबसे पहले मैंने चिकन को किया है मैगनेट दही के साथ। दही के साथ आपने कुछ मसाले भी मिक्स करने हैं, उसमें होंगे हल्दी, पिसी लाल मिर्च, नमक, पिसा धनिया और थोड़ा सा बिरयानी मसाला और थोड़ा सा चाट मसाला। इन सबको दही के साथ मिक्स करके चिकन में मैगनेट कर देंगे। उसके बाद आप टमाटोज उसको मैश करेंगे। आपके पास ग्राइंडर है तो आप टमाटोज को ग्राइंड कर लें। आप चिकन जो आपने मैगनेट किया होगा वो आप फ्राई पैन में डालेंगे, और साथ ही आप उसमें जो आपने टमाटोज हैं वो डालेंगे, उनको अच्छे से मिक्स करेंगे ऑयल के साथ। जब आपको लगेगा कि ऑयल ऊपर आ रहा है तो आप हल्की सी आँच कर इनको छोड़ देंगे। चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, तो जैसे ही आपको लगे कि आपका चिकन गल चुका है और सालन रेडी हो रहा है तो आप दूसरी तरफ कोयले को लें, उसको चूल्हे पर रखें, और जैसे ही कोयला गर्म होने लगे उसको इस तरह से जो कोयले कढ़ाई आपने बनाई होगी उसके अंदर रख कर कोयले को उसमें हल्का सा घी का छिड़काव करेंगे और ढक्कन फ़ौरन से बंद कर देंगे ताकि जो कोयले का धुआँ है वो अंदर रहे और कोयले का जो फ्लेवर है वो कढ़ाई के अंदर आ जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह कोयला कढ़ाई रेडी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कोयला कढ़ाई बन गई। ज़्यादा टाइम नहीं लगा बनने में, क्योंकि ये हुआ कि चिकन आपको पता फटाफट तो गल जाता है, तो इसे चिकन फटाफट से गल गया था और मेरी कढ़ाई फटाफट से तैयार हो गई है। आपने देखी किस तरह बनी। मैंने रेसिपी से शेयर नहीं की क्योंकि नॉर्मली सबको ही पता होता है कि कोयला कढ़ाई कैसे बनती है, और यूट्यूब पर भरी पड़ी हैं रेसिपीज़, तो मैंने सोचा कि अभी रहने देती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी टाइम है नहीं क्योंकि क्योंकि आज हमें कहीं जाना भी है। हाँ कोकोमो फिनिश हो गया सुहान, आज हमें कहीं जाना भी है तो इसलिए मुझे उसकी तैयारी भी करनी है, तो इसलिए फटाफट मैंने खाना बना लिया है। तो ये था आज का व्लॉग, बहुत छोटा सा व्लॉग था, जल्दी जल्दी बनाया है मैंने टुकड़ों टुकड़ों में, ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि मैं जल्दी में हूँ। आज हम कहीं जा रहे हैं, पैकिंग कर रही हूँ, मैं पैकिंग कर लूँ उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कह दो बाबा, ये बहुत गुस्से में इस टाइम, इसके पापा इसको बाहर लेकर नहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल चलती हूँ मैं, ये व्लॉग एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। खुश रहें, आबाद रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे साथ रहें। अल्लाह हाफिज़।